माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की बात करने वाले वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जहाँ तो आपको बता दूं कि एतद द्वारा सावधारणा को सूचित किया जाता है कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से संबंध समस्त महाविद्यालयों संस्थानों में संचालित स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में सत्र 2022 और 23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 4 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना ऑनलाइन पंजीकरण www.msuniversity.ac.in पर दिए गए लिंक पर जाकर कराना सुनिश्चित करें। प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जैसे तो आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रवेश रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर ने भी, जो सहारनपुर मंडल के दो तीन जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, इन तीन जिलों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो सभी छात्र जो है 4 जुलाई 2022 से अपने रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम आदि में अपने रजिस्ट्रेशन को माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के द्वारा www.msuniversity.ac.in पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। उसके साथ ही माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के छात्र बड़े काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम की सत्र 2021 और 22 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2022 में होनी प्रस्तावित है, उनके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। जहाँ तो आपको बता दूँ कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में संचालित सेमेस्टर प्रणाली के समस्त स्नातक, प्रास्नातक, परंपरागत व्यावसायिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम की सत्र 2021 और 22 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। उक्त परीक्षा हेतु प्रथम सेमेस्टर में अहर विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा। समस्त सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। सबसे पहले आपको www.msuniversity.ac.in पर जाकर के स्टूडेंट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। वहां पर नाम, फादर नेम वगैरह और आपका स्थायी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि का प्रयोग करके अपने कंप्लीट फॉर्म को भर ले, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर ले। उसके बाद आप अपने समस्त फ़ोटो, हस्ताक्षर और बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, और यहाँ पर स्टूडेंट अपना परीक्षा फॉर्म ध्यान से भरे, क्योंकि परीक्षा फॉर्म केवल एक ही बार भरा जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि परीक्षा की जो फ़ीस है वो ऑनलाइन ही यहां पर पे करनी होगी, अन्यथा और की स्थिति में यहां पर फ़ीस स्वीकार नहीं की जाएगी। सिर्फ सभी छात्रों को ऑनलाइन फ़ीस स्वीकार जो है करनी है, ऑनलाइन पेमेंट ही अपनी जो है अपने फॉर्म की वो करानी होगी। छात्र द्वारा फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले संलग्नों में प्रत्येक संलग्न के दाहिने और शीर्ष पर अपनी फॉर्म संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। उसके बाद फॉर्म को कंप्लीट प्रिंट आउट निकाल करके उसके साथ समस्त डॉक्यूमेंट को संलग्न करके अपने महाविद्यालय में जो है संस्थान में जमा कराना होगा, और उसके बाद जो महाविद्यालय संस्थान है उनका दायित्व तो होगा कि वो फॉर्म की जांच करके और महाविद्यालय में यानी कि विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो छात्र छात्राओं हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि है वो 4 जुलाई 2022 से शुरू होने जा रही है, और उसके साथ में लास्ट डेट जो है 13 जुलाई 2022 तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ में फ़ीस वगैरह कंप्लीट करके अपने महाविद्यालय में समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म को जमा कराने की तिथि आपकी 14 जुलाई 2022 रखी गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, साथ में सुनो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल बनने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।